एसएमएस हॉस्पिटल में सामान्य मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। बुखार, खांसी, जुखाम के मरीज लगातार बढ़ती संख्या वहां पर देखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, सामान्य बीमारी के मरीजों की संख्या एसएमएस में लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। मौसम में भी बदलाव हो रहा है, इसका एक कारण बड़ा मौसम का बदलाव है जिसकी वजह से खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सुदर्शन, लगातार मौसम के बदलाव की वजह से एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सामान्य बीमारी जिसमें कि खांसी, जुकाम, बुखार के ये मरीज लगातार वहां पर देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस समय सवाई मानसिंह अस्पताल में ही मौजूद हूं। अगर आप यहां से सीधी तस्वीरें देखना चाहेंगे तो भीड़भाड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 फरवरी को प्रतिदिन जो 10,000 की ओपीडी होती थी वो ओपीडी आज करीब करीब 12,000 के आसपास पहुंच चुकी है। और 5 फरवरी से लेकर अगर हम आज तक की बात करें तो 1,30,000 के आसपास जो मरीज हैं वो ओपीडी में पहुंचे हैं एसएमएस हॉस्पिटल की। और इसमें से 50% मरीज जो है वो वायरल इन्फेक्शन यानी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी जो ठीक हो जाती थी 5 से 7 दिन में या 1 हफ्ते में सही हो जाने वाली सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी अब 20 दिन से ज़्यादा तक ठीक नहीं हो पा रही है। कोई मरीज ऐसे हैं जिनमें एक लक्षण रह जा रहा है तो कुछ मरीज ऐसे हैं जिसमें ये 2 लक्षण या 3 लक्षण जो हैं ये रह जा रहे हैं। चिकित्सकों का ये कहना है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि सामान्य जो वायरल का इन्फेक्शन होता है उसने अपना यहाँ पर पैटर्न बदल लिया है, इसीलिए यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर तो चिकित्सक भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं जयपुर के और वो टीम जिन्होंने कोविड की सबसे पहले जिस समय ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना था वो जो चिकित्सक की टीम है उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये सामान्य वायरस ही है जो कि पहले 5 से 7 दिन या 1 हफ्ते में ठीक हो जाता था, लेकिन अब इस वायरस ने पैटर्न बदला है, इसीलिए जो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है वो 20 दिन से ज़्यादा समय तक रह रही है मरीजों में, किसी में 1 लक्षण तो किसी में 3 लक्षण। और ये सवाई मानसिंह अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी की तस्वीरें हैं, अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर आपको काफ़ी तादाद में नज़र आएंगे कतारों में लगे हुए। सुबह से किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 3-3 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है दिखाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है और सेहत को फिक्रमंद होकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ से अगर हम बात करना चाहें किस तरह के लक्षण हैं और क्या दिखाने हैं? खांसी, जुकाम हो रखी है, पता नहीं चला अभी मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से पहले बुखार आने लगे, हल्के हल्के बुखार आते आते थे, फिर बाद में खांसी हो गई। अब फिटरी नहीं है, 20-20 दिन हो गए कि खांसी दवाई खा रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा। 20 दिन से नहीं ठीक हो रही, आपके क्या दिक्कत आ रही है? मेरी तो किडनी खत्म है, किडनी और बीपी बीमारी है। तो ये दूसरे मरीज आपसे अगर जाने जी? हाँ, अभी वायरल है, फिलहाल में शरीर में भी दर्द है वायरल की वजह से, तो लगभग 5-6 दिन हो गए ये आराम ही नहीं मिल रहा जी। आपके अगर हम बात करें क्या दिखाने आए हो, क्या लक्षण है? बस ये खांसी, जुकाम, बुखार। कितने दिन से है? 2-3 दिन। तो ये किसी को 5-7 दिन से, किसी को 20 दिन से यहाँ पर सर्दी, जुकाम, वायरल के जो लक्षण है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सक भी हैं जो मरीजों को देख रहे हैं, कतार यहाँ पर काफ़ी बड़ी कतार। जी सुदर्शन, काफी भीड़ वहां पर देखी जा रही है, काफी संख्या में सामान्य बीमारी के मरीज वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम जानकारी